दिस व्लॉग इज अबाउट एवरेस्ट बेस कैंप जो कि मेरा बचपन का सपना था एंड इस लंबी सीरीज से पहले छोटा सा ट्रेलर देख लेते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें पैक करके एंड अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को एक आखिरी बाय बोल के, क्योंकि पता नहीं था वापस लौटूंगा कि नहीं, तो मैंने एक फ्लाइट ली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल के लिए एंड मैं लैंड किया इस खूबसूरत काठमांडू शहर में, जहाँ मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा एंड फिर मैं मिला बद्री से, हु हैड अरेंज द एंटायर ट्रैक फॉर मी। तो ये एक 120 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है जो हम 12 दिनों में करने वाले हैं। इट विल टेक अस 9 डेज टू गो अप एंड अबाउट 3 डेज टू कम बैक डाउन। दिस इज गोइंग टू बी अ रूट, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। That's Lukla Airport, which is world's deadliest airport. क्योंकि छोटे से रनवे के आगे सीधे नीचे खाई है। अभी 1:30 बज रहा है एंड 6 घंटा डिले हुई थी हमारी फ्लाइट, बट स्टिल एटलीस्ट हम पहुंच तो गए हैं। अभी हमें लगेज नहीं मिला है पर नेक्स्ट प्लेन भी लैंड हो रहा है, सो आई थॉट आपको दिखा दूँ बिकॉज इट इज़ सच अ फैसिनेटिंग सीन टू सी दिस प्लेन लैंड। एकदम से इनको यहाँ टर्न लेना पड़ता है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, अब प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे, लंच करेंगे, गाइड से मिलेंगे एंड उसके बाद सीधे ट्रैक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमको आज लगभग 3 घंटे ट्रैक करना है एंड फिर रात हो जाएगी तो इश्यू हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम फागदिंग के पास जोरसाले में रुक रहे हैं एंड इट टुक अस अबाउट 3 hours टू डू दिस ट्रैक एंड हम आके इस टी हाउस में रुके हैं। सो EBC के बारे में ना, बेस्ट बात यह है कि स्टेज आपके बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ ना प्रॉपर लकड़ी के घर बने हुए हैं एंड ये देखो, ये ना पूरा एक कॉरिडोर है एंड प्रॉपर मैट हुई हुई है। ऑफकोर्स चलते हो थोड़ी खड़खड़ होती है एंड दिस इज़ द रूम, प्रॉपर बेड्स हैं, 2 beds हैं फॉर मी एंड वाटर एंड प्रॉपर पिलोज ब्लैंकेट्स, तो बहुत कंफर्टेबल है। सो डिनर करते हैं, सोते हैं। आज है Day 2 ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक एंड हम जा रहे हैं नामचे बाजार, जहाँ पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं। सबसे पहले आई थिंक ये सस्पेंशन ब्रिज देख लो, बिकॉज नेपाल में इतने ब्यूटीफुल सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए हुए हैं, मज़ा ही आ जाता है इन पर चल के। एंड गाइड इज सेइंग कि आज का ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, स्टीप है एंड 6 से 7 घंटा लगेगा एंड इज एडवाइस कि धीरे धीरे चलना। मेरे को भी पता चला कि यहाँ 300 रुपये घंटे के हिसाब से फ़ोन चार्ज होता है, भाई इतने पैसे नहीं है। सो आई थिंक आई एम ओनली गोना क्लिक द बेस्ट प्लेसेस, बाकी टाइम पे फोटोज थोड़ा सा काम चला लेंगे, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे साथ। यह सागरमाथा नेशनल पार्क का एंट्री गेट जिसके थ्रू हमको जाना है, यहाँ बस हमारा पास चेक हुआ है, सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। तो हम पहुंच चुके हैं नामचे बाज़ार। रास्ता बहुत सुंदर था पर बैटरी बचाने थी इसलिए शॉर्ट्स कम लिए हैं एंड हमको अभी भी पता चला है कि यहाँ पे एक मैराथन हो रही है, यस अ मैराथन, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप से नामचे बाज़ार तक हो रही है एंड इट साउंड्स क्रेजी, सो हम लोग सीधे वहीं चलते हैं। तो ये रही फिनिश लाइन
एंड एवरी ईयर ऑन 29th मे इन द ऑनर ऑफ एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे ये मैराथन होती है एंड जस्ट ये खत्म होने वाली है। Here are the winners, and उन्होंने 4 घंटे में भाई 42 किलोमीटर ऑन एवरेस्ट कर लिया है। शाम को जगह और सुंदर लगती है एंड अभी हमने जस्ट डिनर किया है सो थोड़ी देर में सोते हैं। आज है एक्लेमेटाइजेशन डे विच बेसिकली मीन्स कि हम अपनी बॉडी को यूज टू करा रहे हैं तो हम एक ऊपर पॉइंट तक जाएंगे विच इज 3880 meters, वहाँ 1-2 घंटा रुकेंगे एंड देन विल कम बैक डाउन ताकि हमारी बॉडी थोड़ी अडेप्ट हो जाए इस प्रेशर के। फाइनली थक हार के होटल एवरेस्ट व्यू पहुंच गए हैं। सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है क्योंकि आए थे एवरेस्ट देखने के लिए थे पर एवरेस्ट कहीं वहाँ ऊपर कहीं बादलों में छुपा हुआ और कुछ नहीं दिख रहा है। अबे यार मीट वाउटर, वाउटर से हाय। हाय। विल वी मेक इट? वी विल मेक इट। या वी विल। कैमरास रबिश बट द फोटोग्राफर इज गुड। इट्स बीन 2 आवर्स हम यहीं बैठे हुए हैं, बहुत ठंड है एंड हमने गार्लिक सूप पिया है बिकॉज गाइड ने बोला है पूरे ट्रिप पे आपको गार्लिक सूप ही पीना है क्योंकि दैट विल रियली हेल्प यू मेक इट टू द टॉप। तो वही पीते रहूँगा मैं एंड इसके बाद बस वापस जाएंगे, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं एंड फिर सो जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ आज करने को है तो नहीं। That's it for day 3. I know आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसके सेल्फी शॉट्स तो दिखे ही नहीं, बट दैट इज बिकॉज ये व्लॉग मैंने 2017 में शूट किया था, ठीक है, एंड तब कोई प्लान नहीं था कि व्लॉगिंग करनी है। तो जितना भी कंटेंट शूट किया था उससे आप ट्राई की एक अच्छी सी स्टोरी स्टिच कर पाऊ एंड ये मल्टीपल कैमरा से शूट किया हुआ है मेरे पार्टनर्स के, इससे थोड़ा क्वालिटी में भी फर्क रहेगा। नाउ डे 4 पे हम जाएंगे तेंगुचे, दिंगुचे एंड लगुचे। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट।